केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे और लोक जनशक्ति की पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनके निधन के बारे पर ट्वीट कर जानकारी दी। 74 साल के रामविलास पासवान पिछले कुछ हफ्ते से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार पटना में शनिवार को किया जाएगा। आज पार्टी कार्यालय में पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रामविलास पासवान पिछले 5 दशक से भी ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय थे और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में उनकी पहचान होती थी। चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं है। पांच जुलाई 1946 को खगड़िया में पासवान का जन्म हुआ। बिहार के हाजीपुर से कई बार सांसद चुने गए। 28 नवंबर 2000 में पासवान ने एलजेपी की स्थापना की। 32 साल में 11 चुनाव लड़े, 9 बार चुनाव जीते। केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। 2004 से 9 में मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। 2001 से 2 में वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। 99 से 2000 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। 96 से 98 में रेल मंत्री का भी कार्यभार संभाला। दिल्ली के एम्स में 74 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है। लीडर के रूप में हमने देखा था गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कहूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो हैं रहे हैं। पूरे बिहार में छठी हुई है राजनीति में और मायूस लोग हैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के, हमारा पूरा पार्टी मायूस है कि बड़े नेता बिहार से भगवान के शरण में चले गए। बहुत दुख। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी, जगजीवन राम जी के बाद सबसे बड़ा दलित चेहरा वो थे देश में, और मुझे सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। वो जो कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था, जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। माननीय रामविलास पासवान जी देश की एक मूर्धन्य नेतृत्व की हिस्सा थे। ये विश्वास लायक खबर नहीं है। रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। शरीर अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थे। हम सभी को चिंता थी। ये बहुत ही दुखद सूचना है। सुना आदरणीय रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े ही लोकप्रिय नेता के रूप में, और हम ये कह सकते हैं गरीबों के मसीहा के रूप में थे। 74 आंदोलन में हम लोग, लोकनायक जय प्रकाश नारायण के उस आंदोलन में हम साथ रहे और बराबर जिस प्रकार से उनकी आत्मीयता और हरदम बड़े ही मीठे स्वर से बात करते थे, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो करके सचमुच में इसकी क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है, जल्दी भरना मुश्किल है।